हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि वीडियो का थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ स्विस ब्यूटी के इस प्रोडक्ट का डिटेल रिव्यू प्लस डेमो वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो स्विस ब्यूटी ने रिसेंटली अपना ये फाउंडेशन लॉन्च किया है, एयर ब्रश फुल कवरेज फाउंडेशन। इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप में से जो भी इस फाउंडेशन को बाय करने की सोच रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये फाउंडेशन कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, और यहाँ ऊपर स्विस ब्यूटी की ब्रांडिंग करी गई है। साथ साथ यहाँ मेंशन किया गया है कि एक फुल कवरेज फाउंडेशन है और इसमें हाइलोक्रोनिक एसिड का यूज किया गया है। यहाँ इस साइट पे प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको सभी जानकारी मिल जाएगी, जैसे इसकी MRP, मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट, यहाँ सब कुछ डिटेल में मेंशन किया गया है। इस फाउंडेशन की प्राइसिंग की बात करी जाए तो इसकी MRP 499 रुपीज़ है, मगर फ्लिपकार्ट से आफ्टर डिस्काउंट मैंने इसे 250 रुपीज़ में बाय किया था। इस प्राइस पॉइंट पर आपको 30 ml की प्रोडक्ट क्वान्टिटी मिल जाती है। इसकी मैनुफैक्चर और एक्सपायरी डेट की बात करें तो 3/2022 से 2/2026 तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग टाइम पीरियड आपको मिल रहा है इसे यूज़ करने के लिए। सो बॉक्स के इस साइड पे आपको इंग्रेडिएंट से रिलेटेड सारी डिटेल मिल जाएंगी, तो आप चाहे तो पॉज करके इन इंग्रेडिएंट्स को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर कर्टन के इस साइड पर कंपनी ने लिखा है कि इस प्रोडक्ट में विटामिन ई का यूज़ किया गया है। इसके अलावा इसमें कोकोनट वाटर, एलोवेरा जेल और हाइलोक्रोनिक एसिड का यूज़ किया गया है। फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट क्रूल्टी फ्री भी है, और जो है ना, मेरा जो शेड है इसमें वो शेड नंबर 6 है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगी। इस प्रोडक्ट में शेड रेंज की बात करी जाए तो इसमें टोटल 6 शेड अवेलेबल है, तो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से कोई भी शेड बाय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इस प्रोडक्ट को मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि ये फाउंडेशन अंदर से कैसा दिखता है और इसकी इनर पैकेजिंग किस तरह की है। ये फाउंडेशन कुछ इस तरह से ग्लास बॉटल में आता है, और ऊपर आपको एक ब्लैक कलर का कैप मिल जाएगा। सो यहाँ पे पूरी ब्रांडिंग करी गई है स्विस ब्यूटी की, और जितनी भी डिटेल आपको कार्डबोर्ड बॉक्स में इसकी मिलेगी, वो सभी डिटेल आपको इसकी इनर पैकेजिंग पर भी मिल जाएंगी। और यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट सभी कुछ इसकी इनर पैकेजिंग पर भी मेंशन है, तो अगर आप कार्डबोर्ड बॉक्स फेंक भी दें तो आपको इस चीज़ की चिंता नहीं रहेगी कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। सो ओवरऑल इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से की गई है स्विस ब्यूटी की हर प्रोडक्ट की तरह, और स्विस ब्यूटी अपने सभी प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेंज में भी रखता है, प्लस इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ आपको बॉटम साइड पर इसका शेड नेम और नंबर मेंशन मिल जाएगा, मेरा शेड 06 है, और इसमें और भी शेड रेंज अवेलेबल हैं, तो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से कोई भी शेड बाय कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इसे आप इजीली कैरी कर सकती हैं। ये पंप बॉटल में आता है, जिससे आपका प्रोडक्ट ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा और साथ साथ हाइजीन भी बरकरार रहेगी। सो पैकेजिंग के हिसाब से बात करें तो ये प्रोडक्ट अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर मेरा जो शेड है वो कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं, एक पंप में इतना जो प्रोडक्ट है वो बाहर आता है। अब मैं इसे डॉट डॉट करके पूरे हाथों पे अप्लाई कर ले रही हूँ, और देन इसको ब्लेंड करके आपको दिखाऊंगी। बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है ये, और बहुत ही ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट बहुत ही ईजिली ब्लेंड होता है, प्लस ये आपको मैट फिनिश देता है, और बहुत ही नेचुरल सी फिनिश आती है इसे अप्लाई करने के बाद, और इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है। ये एक लाइट वेट फाउंडेशन है, और आपको के फेस पर 8 आवर तक तो रहेगा ही रहेगा, प्लस कंपनी क्लेम करती है फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो ये हम आगे देखेंगे कि ये फुल कवरेज है या नहीं है। ओवरऑल ये बहुत ही ईजिली ब्लेंड होता है, और बहुत ही नेचुरल सी फिनिश आपको प्रोवाइड करता है, आप देख सकते हैं, और प्रॉपर मैट फाउंडेशन है। सो यहाँ आप दोनों हाथों में डिफरेंस देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए इस प्रोडक्ट को मैं अपने फेस पे अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ, ताकि जो रिज़ल्ट है वो आपको विजिबली दिखे और आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे कि ये प्रोडक्ट कैसा वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर ले रही हूँ। कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले फेस को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ ज़रूर करिए। सबसे पहले फेस को वॉश कर लीजिए, देन कोई अच्छे से मॉइस्चराइज़र से अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लीजिए। इसके बाद प्राइमर भी ज़रूर यूज़ करिएगा, ताकि जो आपके ओपन पोर्स हैं वो अच्छी तरीके से हाइड हो जाएँ, ब्लर हो जाएँ। सो मैंने यहाँ अपने फेस को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर लिया है, और प्राइमर भी यूज़ कर लिया है। तो अब मैं स्विस ब्यूटी का ये एयर ब्रश फिनिश फुल कवरेज फाउंडेशन आपको अपने फेस पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इस फाउंडेशन को अपने हाफ फेस पे अप्लाई करूँगी, ताकि जो डिफरेंस है वो दोनों साइड आप देख सकें।
तो यहाँ थोड़ा सा फाउंडेशन मैं अपने हाथों पे ले रही हूँ और इसे डॉट डॉट करके अपने हाफ फेस पे अप्लाई करूंगी। देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपको इसे ब्लेंड करके दिखाऊंगी ताकि आपको दोनों साइड डिफरेंस समझ में आए, एक साइड मैंने अप्लाई किया होगा एक साइड नहीं किया होगा। फ्रेंड्स इसे जब तक मैं यहाँ ब्लेंड करती हूँ, इस फाउंडेशन के इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट में मेनली जो इंग्रेडिएंट यूज़ करे गए हैं वो है विटामिन ई, कोकोनट वाटर, एलोवेरा जेल और हाइलोरोनिक एसिड। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट हैं। इसके अलावा इसमें जो हाइलोरोनिक एसिड पड़ा है वो हमारी त्वचा को अच्छी तरीके से हाइड्रेट रखता है, जिससे हमारा जो चेहरा है वो अच्छा दिखता है और उसमें नमी बनी रहती है। इसके अलावा एलोवेरा जेल, विटामिन ई और कोकोनट वाटर, ये तीनों जो इंग्रेडिएंट हैं वो हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं वो हमारी स्किन की केयर भी करेंगे, प्लस मेकअप तो हो ही रहा है। फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं फाउंडेशन बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो रहा है। मुझे इसे ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा मुशक्कत नहीं लगानी पड़ रही है, ये बहुत ही ईजी टू ब्लेंडेबल फाउंडेशन है। इसके अलावा कंपनी ने क्लेम किया था कि ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो हाँ ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है। आप मेरे फेस को देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसकी कवरेज कैसी है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये फाउंडेशन आपको एक नेचुरल सी फिनिश प्रोवाइड करता है। इसे अप्लाई करने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने अपने फेस पे कुछ थोपा हुआ है। ये इतना ज़्यादा लाइट वेट है, इसकी टेक्सचर की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी फाउंडेशन है और बहुत ही ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है। प्लस ये आपको मैट फिनिश प्रोवाइड करता है और इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं उसकी वजह से ये आपके फेस को हाइड्रेट रखता है और एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। प्लस ये वाटरप्रूफ फाउंडेशन है तो आप इसे समर सीजन में भी यूज़ कर सकती हैं। सो ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ हैं इस फाउंडेशन के अंदर। सो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पर दोनों साइड कितना ज़्यादा डिफरेंस है और इसे देखकर आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा है और इस फाउंडेशन को आपको बाय करना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। यहाँ मैंने क्लिप्स को बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, नॉर्मल जितने टाइम में ये फाउंडेशन मैंने ब्लेंड किया था वही मैंने यहाँ आपको दिखाया है। और आप मेरे फेस के दोनों साइड डिफरेंस को देख सकते हैं, मेरे फेस के दोनों साइड कितना ज़्यादा अंतर है। यहाँ मेरे स्पॉट्स वगैरह दिख रहे हैं और यहाँ बिल्कुल हाइड हो चुके हैं। सो आप डिफरेंस को देख सकते हैं खुद ही। और ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो अगर आप कोई अफोर्डेबल फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं तो आप इसे ज़रूर बाय करिए, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। तो यहाँ मैं फेस के दूसरे साइड भी इसे अप्लाई करके अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स अगर आप अंडर 500 रुपीज़ में कोई फाउंडेशन बाय करने की सोच रहे हैं तो इस फाउंडेशन को ज़रूर बाय करें। ये किसी भी हाई एंड ब्रांड की कंपनी से कम्पीट कर सकता है और इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इस प्राइस पॉइंट पर इस तरह का फाउंडेशन आपको किसी और कंपनी या ब्रांड में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ मैं अपने व्यूअर्स से ज़रूर कहूँगी कि अगर आप कोई अच्छा और अफोर्डेबल फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये फाउंडेशन आपको कैसा लगा। साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है और अभी मैंने पाउडर सेटिंग नहीं करी है। उसके बाद भी देखने पर ही कैसा लग रहा है कि फेस अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है, पूरी तरीके से हाइड्रेट है, नरिशमेंट मेरे फेस को अच्छी तरीके से इस फाउंडेशन ने प्रोवाइड करी है और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सी फिनिश आई है। तो ओवरऑल मुझे ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया और मुझे नीचे कॉमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।